Hello friends, subscribe to our channel GDC and press the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम जो है, इट इज़ द मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी। इट इज़ अ मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या रहता है? इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले देर आर टू किडनीज, दो किडनी रहती है। सेकंड, इसमें टू यूरेटर। थर्ड, इसमें रहेगा वन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। और फोर्थ, इसमें रहेगा वन यूरेथ्रा। इसी को हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आपकी एक किडनी, ओके। ये आपकी दूसरी किडनी। ये किडनी, इसको लेबल कर देता हूँ मैं। तो एक राइट किडनी, एक लेफ्ट किडनी, उसमें से निकलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर आ रहे, ओके। और फिर ये यूरेटर जो है, ये पहुँच जाएंगे कहाँ पर? ये है आपके यूरेटर। ये पहुँच जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में। ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यहीं से ये जो लास्ट पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे हम यूरेथ्रा। तो दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ और स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किडनी की। तो किडनी जो है, किडनी सबसे पहले इसका जो शेप होता है वो होता है बीन शेप, ओके। इसके फंक्शन को पहले समझ लेते हैं। फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन रहेगा इसका एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। ये वाटर को बॉडी में से बाहर भेजने का काम करता है, इसकी वजह से ये वाटर बैलेंस मेंटेन करती किडनी, ठीक है। साथ साथ में वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी एक्सक्रीट करने का काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा जो है एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस साल्ट। जो बॉडी में एक्सेस साल्ट होता है, ज़्यादा का जो नमक होता है, उसको भी ये बाहर भेजने का काम करती है। तीसरा, एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, और साथ में कुछ हार्मफुल ड्रग्स या ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स, उनको भी बाहर एक्सक्रीट करने का काम करती है। कुछ टॉक्सिन्स, मतलब कि जहरीले जो सब्सटेंस होते हैं, उनको भी बाहर भेजने का काम करती है, ठीक है। और साथ में ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड पीएच को भी मेंटेन करती है। ब्लड पीएच, ये कुछ फंक्शन है किडनी के। अब इसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं शेप और साइज़ की, अगर बात करें तो जैसे शेप तो हमने देख लिया कि वो बीन शेप होता है, ठीक है। अगर साइज़ की बात करें तो साइज ऑफ किडनी, तो साइज में आप अगर नोट करेंगे तो दो किडनी है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो राइट किडनी जो होती है, राइट किडनी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ लेफ्ट किडनी, एंड लेफ्ट किडनी ऑब्वियसली इट इज लार्जर देन द राइट किडनी, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है, किडनी का जो लेंथ होता है वो 11 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली एक एडल्ट में। इसकी जो विड्थ रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहेगी, और 3 सेंटीमीटर थिकनेस रहेगी। जो वेट रहेगा इसका, अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम इसका वेट होता है एक एडल्ट में, ठीक है। एक एडल्ट में इसका 150 ग्राम तक वेट होता है। अब हम किडनी के
इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले एक आउटर कैप्सूल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीन शेप है, तो ये बीन शेप बना लिया मैंने, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसमें एक आउटर फाइब्रस कैप्सूल होती है जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आउटर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मान लीजिए इस टाइप से ये। तो ये जो आउटर लेयर बनाया हूँ इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये है आपका कैप्सूल जो कि फाइब्रस होता है। फाइब्रस होने की वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से प्रोटेक्टिव नेचर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। अब इस किडनी में दो पार्ट होते हैं, एक तो आउटर पार्ट होता है और एक तो इनर पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जैसे इसको दो पार्ट में सेपरेट कर देता हूँ तो आपको समझने में ईजी जाएगा, ठीक है। ये स्टेप्स, तो ये वाला जो आउटर वाला पार्ट बना है इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो इनर वाला पार्ट बना है इसको हम बोलेंगे मेडुला। तो आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला। अब ये जो मेडुला पार्ट है उसी में आपका प्रेजेंट होते हैं रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स जो है ये इस टाइप से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस टाइप से रीनल पिरामिड्स, ये पिरामिड शेप होते हैं जो कि होते हैं मेडुला रीजन में, ओके। मेडुला रीजन में ये होते हैं इस टाइप से, और फिर ये पिरामिड जो है ये आपके इस टाइप से मर्ज भी होते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन बना है इसको बोलेंगे ये वाला, ये है आपके रीनल पिरामिड्स। दीज आर दी रीनल पिरामिड्स, ठीक है। ये जो बीच का एरिया बना है ना, ये जो ये वाला इसको हम बोलेंगे रीनल पिरामिड्स के बाद में जो एरिया दिख रहा है इसको हम बोलेंगे माइनर कैलिक्स। क्या बोलेंगे, माइनर कैलिस। अब ये माइनर कैलिस जो है ये भी माइनर कैलिस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये सभी जो है इस कॉमन एरिया में मर्ज हो रहे हैं। तो जो मर्जिंग पॉइंट होता है माइनर कैलिस का उसको हम बोलते हैं मेजर कैलिस, ठीक है। अब ये जो माइनर कैलिस और ये प्रीनल पिरामिड्स के बीच का जो एरिया है ये वाला एरिया इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स है जो कि आपके किडनी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मेजर कैलिस है वहीं से आपका निकलता है इस टाइप से, ये निकलता है आपका यूरेटर, ठीक है। अब इसको जिस एरिया में से किडनी के जिस एरिया में से यूरेटर बाहर निकलता है या जो रीनल आर्टरी है या जो रीनल वेन है ये एंट्री करते हैं और लीव करते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं हाइलम। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया रहेगा इसको हम क्या बोल देंगे, हाइलम। अब इसमें एक आर्टरी और एक वेन होती है, तो आर्टरी जो है ये इस टाइप से और यहीं से इसको वेन निकाल देता हूँ मैं, तो ये रहेगी रीनल आर्टरी जो हाइलम एरिया में से निकल रही है और ये रहेगी रीनल वेन वो भी आपकी हाइलम एरिया में से, ठीक है। जो आपकी रीनल आर्टरी है वो एब्डोमिनल
एब्डोमिनल एओर्टा से बनती है, ठीक है, और रीनल वेन जो है वो इन्फेरियर वेन है केवल। तो इस टाइप से आपका ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो होता है। अब इस किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो होता है उस नेफ्रॉन के आप बोल सकते हो कि कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम नेफ्रॉन को समझने का ट्राई करते हैं। नेफ्रॉन जो है इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इस बात को आप याद रखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ईच किडनी में 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी में, ठीक है। अब नेफ्रॉन में क्या क्या रहता है, तो नेफ्रॉन में दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला हम बोलते हैं माल्फीजियन बॉडीज और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम रीनल ट्यूब, ठीक है। तो माल्फीजियन बॉडीज में आपके दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक रहता है बोमेंस कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस, ठीक। इसी के स्ट्रक्चर को हम समझने का ट्राई करते हैं। तो जैसे उसका जो स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का कुछ इस टाइप से होता है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लड वेसल आती है, ये ब्लड वेसल वो एक नेटवर्क बनाती है और एक ब्लड वेसल यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो बना है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लोमेरुलस, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसी में फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके नीचे में जो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, और ये जो है रीनल ट्यूबुल का एक्सपांडेड पार्ट है, और इन्हीं दोनों को मिला के हम बोलते हैं माल्फीजियन बॉडी, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं माल्फीजियन बॉडी। ये जो है माल्फीजियन बॉडी इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एरिया, ये आपके कॉर्टेक्स एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो बोमेंस कैप्सूल के बाद में जो एरिया है इसको हम बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, ये आपका प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स एरिया में, ठीक है। फिर इसके बाद वाला पार्ट होता है ये जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये आपका प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, ठीक है। फिर उसके बाद वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम DCT, DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, और ये भी आपका प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स रीजन में। और उसके बाद यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसको, लास्ट वाले पार्ट को, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपका स्टार्ट होता है मेडुला रीजन में और पेल्विस रीजन तक कैरी करता है, फ्रॉम मेडुला टू पेल्विस, ओके। तो अगर हम किडनी में ड्रॉ करना चाहे तो किडनी में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, किडनी में हम इसको इस टाइप से जैसे हमने ये डायग्राम बनाया था, तो इसमें मैं ये ग्रीन कलर से बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो बोमेंस कैप्सूल है इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। जो PCT है वो भी कॉर्टेक्स रीजन में है इस टाइप से ये, लेकिन जो आपका लूप ऑफ हेनले है वो आपका मेडुला रीजन में आ गया। फिर उसके बाद
कॉर्टेक्स रीजन में फिर से आपका DCT चले जाएगा और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट इस टाइप से। तो इस टाइप से आपके नेफ्रॉन का लोकेशन होता है किडनी के अंदर में, ठीक है। तो हमने किडनी का स्ट्रक्चर समझ लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लिया, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्मेशन की मेजरली तीन स्टेप है। सबसे पहली स्टेप को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब जो आपका ग्लोमेरुलर पार्ट में फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। दूसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, और थर्ड जो है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। इस टाइप से आपके तीन स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन में। अब यूरिन फॉर्मेशन को अगर डीपली समझने की ट्राई करें तो सबसे पहला स्टेप जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर मतलब कि यहाँ पे अब ये बोल सकते हो कि इसमें जो मेजरली फिल्ट्रेशन होता है उसमें फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, साल्ट एक्सेट्रा। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो यहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल हमने बनाए थे इस टाइप से, और बोमेंस कैप्सूल में ब्लड वेसल आती है। अब ये जो ब्लड वेसल आई, यही ब्लड वेसल इस टाइप से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कैपिलरीज, फाइन कैपिलरीज का, और उसके बाद यही ब्लड वेसल इस टाइप से बाहर निकल जाती है। तो ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना है इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। और ये क्योंकि कैपिलरीज है इसलिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन जो है पॉसिबल होता है, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल जो है वो बहुत ही थिन होती है। तो इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं कि ब्लड इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस पार्ट में ब्लड रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे कैपिलरी वॉल जो है वो बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी कंपोनेंट ब्लड के यहाँ पर पहुँच जाएंगे उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। और फिर ये जो फिल्ट्रेट है ये आपका आगे कैरी हो जाएगा कहाँ तक, PCT तक, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसी को हम क्या बोलते हैं, PCT, ठीक है। जो कॉमन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 100 ml पर मिनट। तो एक मिनट में 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो बनता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बात लास्ट में करेंगे कि ये जो फिल्ट्रेशन रेट है वो इतना है फिर भी यूरिन फॉर्मेशन का रेट बहुत ही कम है, तो अपन उसको कंपेयर करेंगे। अब सेकंड जो स्टेप है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो है आपकी ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब क्या, तो जैसे ये आपका नेफ्रॉन है इस टाइप से, ये यहाँ से, ओके। तो यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस से आपका फिल्ट्रेशन हो गया, करेक्ट, फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ आ गए। अब कुछ कंपोनेंट जो है वो आपके इस ट्यूबुलर पार्ट में सिक्रीट होते हैं, मतलब ये बॉडी से नेफ्रॉन में मूवमेंट कर रहा है ये ऐसे। और वहीं जब तीसरी स्टेप जो है रीएब्सॉर्प्शन, उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल इस नेफ्रॉन से निकलकर बॉडी में वापस जाते हैं, इसको हम बोलेंगे रीएब्सॉर्प्शन। तो ये शो कर रहा है रीएब्सॉर्प्शन और ये रेड कलर में शो कर रहा है सिक्रीशन, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर पार्ट में सिक्रीशन हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये जो प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन, इट इज़ ए एक्टिव प्रोसेस, मतलब इसमें एनर्जी लगती है, ATP का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। और ये जो है कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर पार्ट में होता है,
जनरली पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और कुछ ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, ये सब जो है दे आर सिक्रिटेड बाय द ट्यूबुलर सिक्रीशन आर एक्सक्रीटेड और यू कैन से द सिक्रीटेड। ठीक है, तीसरा जो प्रोसेस है वो है आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा बताया था कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर जैसे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो आपका 100 ml पर मिनट का है। इसका मतलब है कि सो इन 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 6000 ml, मतलब हम बोल सकते हैं 6 लीटर पर आवर की रेट से ग्लोमेरुलर फिल्टर जो है वो बनेगा 1 घंटे में अगर देखा जाए तो। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन लेकिन जो यूरिन है, बट द यूरिन इज फॉर्म ओनली 1 to 1.5 लीटर पर डे, एक दिन में सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है इट गेट रीएब्जॉर्ब, वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ये नेफ्रॉन से निकलकर वापस से ये बॉडी के ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, और ये रीएब्जॉर्प्शन होता कहाँ पे है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, ये कहाँ होता है, इन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, मतलब आपका पीसीटी पार्ट, डीसीटी पार्ट, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर पार्ट, और दूसरा होता है कलेक्टिंग डक्ट। इस टाइप से जो है यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूरिनरी सिस्टम में वो है आपका यूरेटर। ठीक है, जो किडनी में से निकलता है, तो यूरेटर और कुछ नहीं सिर्फ एक डक्ट है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो यूरिन को कैरी करता है किडनी से लेकर किडनी टू ब्लैडर, किडनी से लेकर ब्लैडर तक वो उसको कैरी करता है। अप्रोक्सीमेटली जो इसका लेंथ होता है एक हेल्दी एडल्ट में, वो इसका लेंथ होता है 25 to 30 cm लेंथ होता है इसका। ठीक है, ये पेल्विस से स्टार्ट होता है और यूरिनरी ब्लैडर पे एंड होता है। इसमें 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर से ये बना हुआ होता है। ठीक है, आउटर वाली जो होती है वो फाइब्रस लेयर, इनर वाली जो है या मिडल वाली जो है उसको बोलते हैं हम मस्कुलर लेयर, और जो इनर है उसको बोलते हैं हम म्यूकस लेयर। यूरेटर के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पियर शेप्ड होता है। पियर शेप मतलब कैसा, इस टाइप से ये होता है आपका पियर शेप। ठीक है, तो पियर शेप मस्कुलर सैक, सैक मतलब थैली, तो ये मस्कुलर सैक है। ठीक है, जिसमें कि यूरिन को रिजर्वायर किया जाता है, तो इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होती है। ठीक है, जो लोअर पार्ट है मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं फंडस। ठीक है, इसमें 3 ओपनिंग होती है, एक तो ओपनिंग, दो ओपनिंग जो है वो यूरेटर की होती है, और एक ओपनिंग जो होती है वो यूरेथ्रा की होती है। इस तरह से 3 ओपनिंग होती है इसमें, ये 4 लेयर से बना हुआ होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसमें 4 लेयर्स होती है।
पहली लेयर जो आउटर है उसको हम बोलते हैं सीरस कोट, ठीक। जो उसके नीचे लेयर रहेगी उसको बोलेंगे हम मस्कुलर कोट, उसके नीचे में जो रहेगी उसको बोलेंगे सब म्यूकस कोट, और जो सबसे इनर मोस्ट रहेगी उसको बोलेंगे म्यूकस कोट, ठीक है। म्यूकस कोट जो है ये आपकी एक स्पेशल टाइप की टिश्यू से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बना हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो जो यूरेथ्रा है इट इज अ कैनल, ये क्या है, कैनल है। तो यहाँ पे यूरिन जो है इट पासेस फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड। जो मेल यूरेथ्रा जो होता है उसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर होती है, और जो फीमेल यूरेथ्रा होता है, फीमेल यूरेथ्रा जो है उसकी लेंथ कम से कम 4 सेंटीमीटर होती है एक हेल्दी एडल्ट में, ठीक है। फिर तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये तो हो गया आपके पूरे ऑर्गन्स यूरिनरी सिस्टम के, ठीक है। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस कर, इसको बोलते हैं हम मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन, ठीक है। मिक्सचुरेशन मतलब इट इज द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, इट इज ए एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। यूरिन का जो एक्सक्रीट करने का जो एक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले कि यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में एकुमुलेट होता है, जमा होता है ना। जैसे हमने बोले थे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या, रिजर्वायर ऑफ यूरिन है। उसकी वजह से अब एकुमुलेशन ऑफ यूरिन होगा, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में एकुमुलेशन। इस एकुमुलेशन की वजह से क्या होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल जो है वो स्ट्रेच होने लगेगी। अल्टीमेटली देर इज ए इंक्रीज इन प्रेशर विद इन ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे यूरिन कलेक्ट होने लगा है, एकुमुलेट होने लगा है, ठीक है। अब जब यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन का वॉल्यूम है वो अप्रॉक्सीमेटली 170 से लेके 230 ml तक पहुँच जाता है, तो जो ब्लैडर में अफरेंट नर्व्स होती है वो स्टिमुलेट होती है। तो स्टिमुलेट अफरेंट नर्व इन ब्लैडर, करेक्ट। और इसी की वजह से क्या होता है, देर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर कोट, जो मस्कुलर कोट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर कोट ऑफ द ब्लैडर एंड मस्कुलर कोट ऑफ द ब्लैडर एंड देर इज ए रिलैक्सेशन ऑफ द स्पिंक्टर। जो स्पिंक्टर होता है, जो वॉल होता है वो रिलैक्स होता है, मस्कुलर कोट कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन, ठीक है। अब लास्ट में आखिरी टॉपिक जो है उसको हम देख ले रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन में आप ये बोल सकते हो कि रफ में हम देख रहे हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें कंसिस्ट होता है वाटर अप्रॉक्सीमेटली 96%, ठीक है। यूरिया जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2% होता है, और यूरिक एसिड और अदर सब्सटेंसेस एंड अदर, ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 2% होता है। इस टाइप से इसका कंपोजिशन होता है। अगर इसके रेट की बात करें कितना किसमें बनता है, तो मेल में अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 liter पर डे यूरिन बनता है। कलर जो होता है इसका वो पेल अम्बर कलर होता है, पेल अम्बर कलर, ठीक है। जो ऑर्डर होती है इसकी ये होती है एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्डर होती है, और जो पीएच होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 के आसपास होती है, ठीक है। तो स्लाइटली ये एसिडिक होती है यूरिन, ओके।
तो यहाँ हमारा फिनिश हुआ यूरिनरी सिस्टम। थैंक यू।